मैं शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। सिंध में अफगानियों की आबादकारी, वफाकी इदारों में से हजारों सिंधी मुलाजमीन की बरतरफी, पानी की किल्लत और सिंध के जमीनों पर कब्जों के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक सदर अयाज लतीफ पलीजों की हिदायत पर पूरी सिंध समेत आज डिपार्जा के करीब भी एहतजाज किया गया। कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा खान सोमरो, गुलाम नबी लाखो, अख्तर परवर, नाजन आलमानी, हिदायतुल्ला सोमरो, इकबाल आलमानी और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत तासुब परस्ती का मुजाहरा करते हुए अफगान बाशिंदों को सिंध में रहायशगाह दे रहे हैं। अफगानी बाशिंदे आलमी इदारों की हिदायत पर पाकिस्तान में मंशियात और दहशतगर्दी करवा चुके हैं। PPTI, PP और MQM एक बार फिर आलमी दहशतगर्दों की सहूलियात फराहम करने जा रहे हैं। सिंध के हजारों सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करके खुदकुशियां करने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरी जानब सिंध में पानी की किल्लत की वजह से फसलों समेत इंसानी आबादियां तबाह और बर्बाद हो रही हैं और सिंध की जमीनें बिल्डर्स को फरोख्त की जा रही हैं। कौमी अवामी तहरीक के कारकुनान तमाम साजिशों का मुकाबला करेंगे। उहे सभु पीपल्स पार्टी कराए वेठी आहे ऐं सिंध में जेकी जेका धारी आबादकारी अचे पई उन्हनि खे बि सिंध इजाज़त ॾे वेठी आहे। असीं सिंध गवर्नमेंट खे बि चऊं था बदमाशूं बंदि कयो, न त उहो दौर तव्हां खां विसरियो न आहे जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे सां जेको एजेंसियुनि जेको हर शख़्स